देखो हमको क्वेश्चन दिया है, बॉडी मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड हैज अ डीप ब्रोंगली वेव लेंथ ऑफ 5 × 10⁻¹⁰ मीटर, कैलकुलेट मास ऑफ बॉडी। इस बारे में हमको क्या मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुमको मालूम क्या है डी ब्रोगली रिलेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। हमको एच का वैल्यू तो पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 6.625 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। तो हमको इस बार एम निकालना है ना, तो लैम्डा को नीचे ला लो, एम यहाँ पे, लैम्डा यहाँ पे, 6.625 × 10⁻³ और वेवलेंथ कितना दिया है 5 × 10⁻¹⁰ मीटर और वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या 10⁻²⁪ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 × 10⁻⁸ हो गया, ये 10⁻²⁸ ऊपर जाएगा तो क्या 10⁻⁸ हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, मतलब 1.53 तो 1.3 समथिंग आएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, तो ये 1.35 आता है, ठीक है। 1.35 × 10⁻²⁶ kg, क्योंकि सभी SI में था तो मास किस में आएगा, kg के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वेवलेंथ है इतना और वो इतने से अगर मूव कर रहा है तो उसका मास इतना होना चाहिए। देखो कितना छोटा मास है, लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर का मास है।